नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी और सबसे बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के दौरे पर आना था, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो दौरा है वो रद्द हो गया। लेकिन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ SDM महोदय संजय धत्रवाल जी हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी वो क्या देंगे, क्योंकि अधिकारी पुष्टि बहुत जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संजय जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो दौरा है वो रद्द करने की ऐसी बातें आ रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कैथल कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। तो सर, कौन उनकी जगह इस कार्यक्रम में आ रहा है और किस तरह की सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए जाएंगे, क्योंकि लगातार किसान जो है वो विरोध करने के लिए आह्वान किसानों से करते जा रहे हैं कि आप लगातार कैथल में पहुँचे क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है। देखिए, कल कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विधानसभा स्पीकर माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आएंगे और उनके प्रोटोकॉल के लिहाज से जो भी सुरक्षा इंतजाम होंगे वो पुख्ता किए जाएंगे। तो सर, किसान जो है वो ये मान रहे हैं कि जो ये मैसेज जो है ये लगातार झूठी तरह से अफवाह फैलाई जा रही है कि मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया है, लेकिन वो किसान जो है बार बार लोगों से अपील और किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नीम साहब गुरुद्वारे में पहुँचे। तो उन किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे और आपकी दोबारा क्या किसानों से कोई वार्तालाप हुई है इस विषय को लेकर? देखिए, मैं उनसे फ़ोन पे संपर्क कर रहा हूँ और इस विषय में जो है आज 3:30 बजे जो है DC साहब ने किसानों के साथ एक मीटिंग का भी आयोजन किया है जी। हम आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल कैथल कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाएंगे। तो किसानों से मेरा ये अनुरोध है कि वो अब शांति बनाए रखें और किसी प्रकार के किसी विरोध प्रदर्शन की अब आवश्यकता नहीं है और परिस्थितियाँ जो हैं ईश्वर की अनुकंपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ से जो है अब का परिस्थितियां काबू में हैं। किसी भी विषम परिस्थिति का निर्माण वो ना करें और बाहर से जो लोगों के लिए उन्होंने कॉल दी थी उस कॉल को वो कॉल बैक करें और लोगों को कहें कि वो खाम खाम में कैथल की तरफ ट्रेवल ना करें, जिससे कि कैथल शहर में भीड़ भाड़ उत्पन्न होगी और ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां जो हैं उसको नियंत्रण में रखना जो है हम सभी की जिम्मेवारी है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे किसान भाइयों से और दूसरे सारे इस आंदोलनरत जो भी व्यक्ति हैं उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग देंगे और उन लोगों को सूचित करेंगे कि कल का कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से रद्द घोषित कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। और ये थे हमारे साथ SDM महोदय संजय जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है कि कल का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो होना था उनका वो रद्द कर दिया गया है। उनके जगह मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी पहुंचेंगे, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अगर कार्यक्रम में आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा और तमाम जो भी अग्रवाल समाज के तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर वो कार्यक्रम में आएंगे तो उनका विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर एक अपील जो है SDM महोदय के द्वारा की गई है कि आप इस विरोध के चलते मुख्यमंत्री का विरोध करने का आपने कहा था मुख्यमंत्री शिरकत नहीं कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन भी अनुरोध भी है कि जो भी साथी बाहर से आ रहे हैं किसान उनसे भी आग्रह किया कि आप न आए, क्योंकि कल कैथल में जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो रद्द जो है वो कर दिया गया है।